नमस्ते, शिवरात्रि की आपको हार्दिक बधाइयाँ। मैं गीतांजलि मसाला चम्मच में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम सीखेंगे शिवरात्रि पर सबसे बड़ा नेक होता है सिंगाड़ी खाने का। तो सिंगाड़ी के आटे से कतरा बनाना, उसको बहुत लोग सिंगाड़ी के आटे की कतली भी बोलते हैं, बर्फी भी बोलते हैं। तो आइए सीखते हैं सिंगाड़ी के आटे की कतली, बर्फी या कतरा। नमस्कार। तो आइए सीखते हैं कतरा की रेसिपी, जिसके लिए मैंने लिया है सिंगाड़ी का आटा। ये व्रत में खाया जाता है और ये शिवरात्रि स्पेशल है, तो इसमें बहुत बड़ा नेग होता है। उसके अकॉर्डिंग ही लिया है मैंने 100 ग्राम गुड़ और 2 ग्लास पानी अपनी गुड़ की चाशनी बनाने के लिए। आप चाहें तो चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट गुड़ में ये बहुत टेस्टी लगते हैं, इसलिए मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है। तो मैंने एक कढ़ाई रख दी है और सबसे पहले हम अपने सिंगाड़ी के आटे को भूनेंगे। आप एक चीज़ का ध्यान दें, हमें इसको हल्का सा बस खुशबू आने तक भूनना है। इसको हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हल्की सी महक आ जाए भुनने की। और ये हमारा सिंगाड़ी का आटा है, तो ये थोड़ा मीठा होता है ये आटा, तो आप इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। आप इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही भूनें, ये बिल्कुल जलना नहीं चाहिए, बहुत तेज़ी से ये जलता है। तो मैंने इसमें मिला दिया है ये देसी घी, और हम व्रत की स्पेशल चीज़ बना रहे हैं, इसलिए मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो कोई भी पीनट ऑयल ले सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, जो भी ऑयल आप व्रत में खाते हैं आप उसको ले सकते हैं। तो मैंने अपने आटे को निकाल लिया उसी कढ़ाई में। अब मैं अपने गुड़ की चाशनी को बनने के लिए रख दूंगी। तो मैंने गुड़ को छोटा छोटा तोड़कर उसकी चाशनी बनने के लिए रख दिया है। ये 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है, बस हमें अपना गुड़ का घोल तैयार करना है। तो इसको हाई टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से घुल जाने दें। तब तक हम अपने जो हमने आटा भुना है उसके मिक्सचर को रेडी करते हैं। तो देखिए, मैंने ये आटा ले लिया है, हल्का सा ये गर्म है। अब ध्यान से करें, हाथ जलना नहीं चाहिए और इसमें एक भी लम्स नहीं पड़े, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्मेट में यूज़ किया है। आप चाहें तो किसी डोंगे में या किसी स्पून की हेल्प से भी आप इसको घोल सकते हैं, बट हाथ से एकदम ये परफेक्टली घुल कर रेडी हो जाता है। क्योंकि अब अगर आप डायरेक्ट पानी डाल के यूज़ करते हैं तो इसमें बहुत सारे लम्स बन जाएंगे, जिससे आपकी कतरा या सिंगाड़ी की बर्फी अच्छी नहीं बनेगी, आपको टेस्टी नहीं लगेगी। तो मैंने अच्छे से एकदम अपने घोल को रेडी कर लिया। आप इसको थोड़ा पतला ही रखें, तो मैंने 1 गिलास पानी पूरा यूज़ कर लिया। और इधर देखते हैं, मेरी एकदम तैयार हो गई है गुड़ का घोल। तो जो मैंने मिक्सचर रेडी किया था अपने सिंगाड़ी के आटे का, उसको एक हाथ से चलाते हुए मिलाएंगे। इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें, अगर आपने छोड़ दिया तो उसमें लम्स आ जाएंगे और आपकी बर्फी कतरा एकदम अच्छा नहीं बनेगा, उसमें आपको आटे आटे का सा फ्लेवर आएगा। तो इसलिए आप ध्यान रखें, एक हाथ से आप चलाते रहें और एक हाथ से आप अच्छे से उसको मिक्स करें। तो हमें इसको चलाते हुए ही पकाना है। और सिंगाड़ी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है, हेल्थ के लिए भी, या फिर आपको किसी तरह की कोई कमज़ोरी है तो आप इसको किसी भी वक्त इसका हलवा या इसका कतरा या इसकी बर्फी बनाकर खा सकते हैं। और इसमें शुगर का इस्तेमाल नहीं किया है, तो जो भी बीपी या डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो भी इसको खा सकते हैं। तो देखिए, चलाते चलाते 2 से 3 मिनट ही हुआ है और हमारा ये परफेक्टली रेडी हो गया है। बस आप खास ध्यान रखें कि इसको आपको छोड़ना नहीं है। और आप देख रहे हैं कढ़ाई में भी ये बिल्कुल नहीं चिपका है, एकदम अच्छे से हमारा घोल रेडी हो गया है। टोटल 15 to 20 मिनट्स में हमारा ये सिंगाड़ी का कतरा या बर्फी एकदम रेडी हो जाती है। और सिंगाड़ी के आटे को कहा बहुत ही हेल्दी कहा जाता है, तो आप इसको इस तरीके से चेक कर लें। ये फोल्ड हो रहा है, इसका मतलब ये परफेक्टली बनकर रेडी हो गया है। और आप फ्लेम को मीडियम ही रखें। अब मैंने अपनी प्लेट को ग्रीस कर लिया है। आप देसी घी से ग्रीस करना नहीं भूलें, वरना आपके बर्फी उतरने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और आप खास ध्यान रखें, आपको बहुत जल्दी जल्दी ही
इसको प्लेट में करना है, नहीं तो ये हमारा कढ़ाई में ही जमना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए मैंने एकदम अच्छे से अपने मिक्सचर को फैला लिया है, एकदम परफेक्टली ये रेडी हुआ है और डेफिनेटली आपका ये जमेगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से दूसरे बर्तन में भी हम अपना इस मिक्सचर को फैला लेंगे। दोनों में मैंने एकदम अच्छे से अपने मिक्सचर को फैला लिया है और इसको 1 से 2 घंटे के लिए रेस्ट होने देंगे ताकि अच्छे से हमारी बर्फी बनकर रेडी हो जाए। उसके बाद हम इनको कट करेंगे। तो देखिए कितना परफेक्टली मेरा 1 घंटा हुआ है और मेरी बर्फी एकदम जम चुकी हैं, ऐसा ही लग रहा है। मैं आपको कट करके दिखाऊंगी, लेकिन कट करने से पहले आप थोड़ा देसी घी से ग्रीस कर लें। तो मैंने अपने दोनों थालों को अच्छे से ग्रीस कर लिया है। ये 3 से 4 लोगों के लिए एकदम परफेक्टली रेडी है और ये गुड़ से बनी हुई है, सिंगाड़ी के आटे से बनी हुई है। तो आप इसको 4 to 5 डेज के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं फ्रिज में, और आप इसको किसी भी शेप में कट कर लें। मैंने देखिए स्पून की बैक साइड से इसको कट कर लिया है। आप चाहें तो नाइफ से या किसी भी चीज़ से कट कर सकते हैं, जो भी शेप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। मैं आपको एक पीस निकाल के दिखाती हूँ। देखिए कितना परफेक्टली मेरा पीस निकल के रेडी हुआ है। मेन ध्यान आपको इसकी कंसिस्टेंसी पे रखना है कि ये कब बनने की कंसिस्टेंसी में हमारी कढ़ाई में। तो देखिए मेरी टेस्टी टेस्टी सिंगाड़ी की बर्फी, सिंगाड़ी का कतरा एकदम बनकर तैयार है। आप शिवरात्रि पर इसको खाएं और भगवान का भोग लगाएं। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको इस रेसिपी को बनाना सिखाया है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपने रिव्यूज जरूर शेयर करें। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और धार्मिक को घंटा ज़रूर बजा दें। धन्यवाद।